मॉर्निंग, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की क्लास साइकिल में। पिछली क्लास तक हम लोग जो है कर चुके थे रेडिकल एक्सिस, तो आज हम लोग शुरू करते हैं। पहली हेडिंग दीजिए को एक्सियल सिस्टम ऑफ साइकिल्स। अ सिस्टम ऑफ सर्कल्स हैविंग सेम रेडिकल एक्सिस, a system of circles having same radical axis is known as coaxial system of circles। तो फिर वही बात, definition आपसे कोई पूछेगा नहीं। तो next heading equation of coaxial system of circles। equation of given circles are s = 0 and s - = 0। let equation of given circles are s = 0 and s - = 0। तो बोलो equation of radical axis क्या हो जाएगा? Equation of radical axis आपको हो जाएगा s - s - 0। तो ऐसे सर्कल जिसकी सबकी रेडिकल एक्सिस सेम, उसे हम कोएक्सियल सिस्टम कहते हैं। सो इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स विल बी s + λ s - s - 0। लैम्डा कैन टेक एनी रियल वैल्यू, s + λ s - s - 0 will be equation of coaxial system of circles whose two circles are s = 0 and s - 0। तो करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ l एंड m सर्कल्स 5 × x² + y² + ly - m = 0 belongs to coaxial system determined by the circles x² + y² + 2x + 4y - 6 = 0 and 2 × x² + y² - x = 0। तो आपको दो s और s डैश दिए हुए हैं, क्या निकालना है? coaxial system of circle की क्वेश्चन निकालना है और फिर कंपेयर करना है। तो आइए देखते हैं, सर्कल की इक्वेशन दी हुई है, इन दो सर्कल का ये सर्कल कोएक्सियल सर्कल है। तो अब हम पहले इन दो सर्कल का कोएक्सियल सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। तो ये तो हमारा एस हो गया, x² + y² + 2x + 4y - 6, और ये हमारा s डैश हो गया x² + y² - x/2। इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस s - s डैश, x² कैंसिल, y² कैंसिल, इसको इसमें सबट्रैक्ट करेंगे तो 2x + 4y - 6 - x/2। तो 4 + 5x + 8y - 12 = 0। This is equation of radical axis. So equation of coaxial system of circles क्या फार्मूला होगा? s + λ s - s - 0, x² + y² + 2x + 4y - 6 + 5λ x + 8λ y - 12λ। अब क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, x² + y² + 5λ + 2x + 8λ + 4y - 12λ - 6। अब हमारी गिवन सर्कल से ये इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? बट
in question x square plus y square plus l by 5y minus m by 5। ये क्वेश्चन में गिवन है और ये हमने निकाला, दोनों क्या होना चाहिए सेम, और जब दोनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं, इक्वल नहीं करते हैं। तो यहां x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, यहां x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, यहां y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, यहां y स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, यहां x कोएफिशिएंट 5 लैम्डा प्लस 2, यहां x कोएफिशिएंट 0, यहां y का कोएफिशिएंट 8 लैम्डा प्लस 4, यहां y का कोएफिशिएंट l / 5, यहां कांस्टेंट माइनस 6, यहां कांस्टेंट माइनस m / 5। और ऐसे कंपेयर करने के दौरान माइनस m / 5 छूट गया, तो जब भी कोएफिशिएंट कंपेयर करने के दौरान कोई भी न्यूमरेटर जीरो तो उसका डिनोमिनेटर मस्ट बी जीरो, और अगर किसी जैसे इस केस में इसका डिनोमिनेटर जीरो है माइनस 6 इनटू 1 प्लस 2 लैम्डा, तो इसका डिनोमिनेटर जीरो है उसका न्यूमरेटर मस्ट बी जीरो, तो 5 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 5, और फिर ये 0 बाय 0 हट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा l / 5 इज इक्वल टू 8 लैम्डा प्लस 4, इसको इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा m / 5 इज इक्वल टू 12 लैम्डा प्लस 6, L is equal to 8 into 5 lambda plus 20, 12 into 5 lambda plus 30, 5 lambda की value minus 2, यहां से 5 lambda ही निकाल लेते हैं, फिर 5 lambda तो L is equal to minus 16 plus 24, M is equal to minus 24 plus 30, that is 6, L is equal to 4, m is equal to 6। क्या किया हम लोग ने, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन थे, वो एक्सेल सिस्टम की इक्वेशन निकाली, क्वेश्चन में ये गिवन था, कंपेयर कर दिया। हाँ, तो ये था हमारा कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन। कभी कभी एक और यूज कर लेता है, क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल का लिमिटिंग पॉइंट का मतलब ऐसे कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स जिनकी रेडियस जीरो, तो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल इक्वेशन निकालेंगे और उनकी रेडियस को जीरो कर देंगे तो वो क्या कहलाएंगे, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर में हमने पढ़ना क्या है, तो हमने पढ़ना है कि दो सर्कल गिवन है तो इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, या टच करते हैं या दो पॉइंट पे कट करते हैं, या ना ही टच करते हैं ना ही कट करते हैं, और उसके साथ साथ तो ये बातें हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो हम लोग तीन केस देखेंगे, दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दो सर्कल टच करे, या दो सर्कल कट या टच ना करे। तो पहला केस लिखिए, कंडीशन फॉर टू सर्कल्स तो पहले दो सर्कल जो हम ले लेते हैं, लेट टू सर्कल्स आर गिवन,
whose centers are A and B, radius R1 and R2. Let two circles are given whose centers are A and B and radius are R1 and R2. जिसका सेंटर A है उसकी रेडियस R1 है, जिसका सेंटर B है उसकी रेडियस R2 है. तो दो सर्कल गिवन है, उनके सेंटर और रेडियस गिवन है, यह उनकी इक्वेशन गिवन होगी. अगर इक्वेशन गिवन होगी तो सेंटर और रेडियस निकल आएगा. ठीक है, अब हम लोग जो है, तो जैसे एक एक सर्कल ये है, इसका सेंटर A है, रेडियस R1 है. दूसरा सर्कल ये है, इसका सेंटर B है, रेडियस R2 है. तो बोलो AB क्या कहलाएगी? AB कहलाएगी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स. नोट करिए, AB कहलाएगी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स. A सेंटर, B सेंटर, R1 R2 रेडियाई. और अब हम लोग जितनी हेडिंग देंगे उन हर हेडिंग में यही दो सर्कल यूज करेंगे. तो पहली हेडिंग आएगी कंडीशन फॉर टू सर्कल, कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू कट ईच अदर, कट ईच अदर एट टू पॉइंट्स, कट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट. हमने नहीं लिखा, वो आप लिख लीजिए, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. आइए डायग्राम बनाते हैं. दो सर्कल अगर हैं, ये हमने पहला वाला सर्कल ले लिया जिसके सेंटर ए है, जिसकी रेडियस आर वन है, और ये हमने दूसरा सर्कल ले लिया जिसका सेंटर बी है, जिसकी रेडियस आर टू है. तो डायग्राम देखिए, और हमने चूंकि ये लिखा है कंडीशन फॉर टू सर्कल्स, तो डायग्राम भी हमने कट करने वाला ही बनाया है. तो जरा देखिए, स्टॉप करिए वीडियो अपने को और देखिए क्या कंडीशन हो सकती, सोचिए और फिर मिलाइए. तो कंडीशन होगी इफ इफ ए बी लेस देन आर वन प्लस आर टू एंड ग्रेटर देन मोड ऑफ आर वन माइनस आर टू. इस डायग्राम में तो हम देख रहे हैं कि R1 बड़ा है, R2 छोटा है. तो R1 plus R2 तो हमेशा पॉजिटिव होगा because of distance. R1 minus R2 भी पॉजिटिव होगा, लेकिन जब अननोन होगा तो हमें नहीं पता है, तो डिफरेंस में हम मॉड लगा लेते हैं. तो डिस्टेंस AB इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर. इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज ग्रेटर देन डिफरेंस ऑफ रेडियाई एंड लेस देन सम ऑफ रेडियाई देन टू सर्कल्स कट ईच अदर at two distinct points. आप पूरा लिख लीजिएगा. If distance between center is less than sum of radii and greater than difference of radii, ये statement है. Implies that two circles cut each other at distinct point. Two circles cut each other at distinct point. तो देखिए केवल इतना ही नहीं पूछेगा. आपसे क्या-क्या पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है दो सर्कल एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, या इसी में आपसे पूछ सकता है कि कितनी कॉमन टेंजेंट होगी. तो वो सर्कल की पोजीशन पे डिपेंड करेगी. तो ये सेंटर ए है और सेंटर बी को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ की. तो अगर दो सर्कल दो पॉइंट पे कट करते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट is equal to 2. और ये जो इस सर्कल को भी टच करे, इस सर्कल को भी टच करे, जो इस सर्कल को भी टच करे, इस सर्कल को भी टच करे, ये आपकी कॉमन टेंजेंट. तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 2. और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच के पार्ट को लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कहते हैं. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कहते हैं. इतना ही नहीं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स
are concurrent if radius is not equal. अगर radius दोनों circle के equal हो जाती तो common tangent parallel हो जाती, तो cut नहीं करती. अगर R1 R2 बराबर नहीं है तो common tangent and line joining centers concurrent होगी. और इतना ही नहीं, AP upon BP का ratio, AP upon BP का ratio क्या होगा? R1 is to R2. तो अगर A का coordinate और B का coordinate पता है तो हम लोग P को क्या बोलेंगे? External section. तो इसमें कौन सा formula लगेगा? External section का. तो इसका मतलब A का coordinate पता है, B का coordinate पता है, R1 R2 पता है, तो हम P का coordinate निकाल सकते हैं. P क्या है? Point of intersection of common tangents. कितनी common tangent है? दो. और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है P? लाइन जॉइनिंग का सेंटर्स को AP is to BP किस रेशियो में? R1 is to R2. और P AP के एक्सटेंडेड पार्ट पे है, इसलिए एक्सटर्नल सेक्शन का फार्मूला है. तो के लिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो पहली हेडिंग थी कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू कट ईच अदर. ये कंडीशन हो गई, कितनी कॉमन टेंजेंट दो और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस रेशियो में. और नेक्स्ट सेकंड कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू टच ईच अदर. कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू टच ईच अदर. कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू टच ईच अदर. अब दो सर्कल दो तरह से टच कर सकते हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली. तो पहला केस हम लोग लेते हैं एक्सटर्नल टच. अगर दो सर्कल इस तरह से टच करते हैं तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल टच. एक्सटर्नल टच का कहेंगे इफ ए बी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. इफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ए बी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू. If AB is equal to R1 plus R2 implies that two circles touch each other externally. तो अब अगर आप यहां पर भी देखो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, तो तीन कॉमन टेंजेंट होंगी. दो कॉमन टेंजेंट तो ये कॉमन टेंजेंट. अच्छा पिछले वाले केस में नहीं बताए थे, लेकिन पहले हम आपको बता चुके हैं. क्या पहले बता चुके हैं? आइए डिस्कस करते हैं. पिछले वाले केस में नहीं बताए थे, लेकिन ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है. और अगर इस पॉइंट को P कहें और तीसरी कॉमन टेंजेंट कहां होगी? ये वाली कॉमन. और इसको और क्या कह सकते हैं? रेडिकल एक्सिस. तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, सी फॉर कॉमन, टी फॉर टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट. और तीनों कॉमन टेंजेंट यहां पर ट्रायंगल बना रहे हैं. क्या हमेशा ट्रायंगल बनाएंगे? तो नहीं. अगर दोनों सर्कल की रेडियस बराबर हो गई तो ये वाली तो कॉमन टेंजेंट ट्रायंगल हो जाएगी, तब ट्रायंगल नहीं बनेगा. इसके अलावा अभी भी AP अपॉन BP का रेशियो R1 is to R2 external हुआ. तो अगर AB is equal to R1 plus R2, circle will touch each other externally. Number of common tangent 3, AP upon BP, R1 is to R2, AB, B तीनों collinear होंगे and point P is point of intersection of common tangent. Point of intersection of common tangent and line joining the centers concurrent होती है. अब हम लोग सेकेंड केस देखेंगे इंटरनल टच. इंटरनल टच का डायग्राम बनाइए. इंटरनल टच का आपका ये डायग्राम होगा. एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर और स्मॉलर सर्कल इनसाइड द बिगर सर्कल.
तो इफ ए बी इज इक्वल टू मोड आर वन माइनस आर टू इम्प्लाइज दैट इफ ए बी इज इक्वल टू मोड आर वन माइनस आर टू इम्प्लाइज दैट टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली टू सर्कल्स टच ईच अदर इंटरनली और इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी केवल एक और वो रेडिकल एक्सिस भी कहलाती है नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स वन और यहाँ पर कहीं आगे कट नहीं करेगा तो ये था हमने देखा कि अगर दो सर्कल टच कर रहे हैं तो अगर एक्सटर्नली टच करेंगे तो तीन कॉमन टेंजेंट इंटरनली टच करेंगे तो एक कॉमन टेंजेंट नेक्स्ट स्टडी थर्ड की तरफ हम बढ़ेंगे कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू नीदर कट नॉट टच ईच अदर कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू नीदर कट नॉट टच ईच अदर कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू नीदर कट नॉट टच ईच अदर इसमें भी दो केस होंगे पहला केस टू सर्कल्स नीदर कट नॉट टच ईच अदर बट आउटसाइड ऑफ ईच अदर But outside of each other. पहला केस, two circle neither cut nor touch each other, but outside of each other. तो ये कब होगा? आइए पहले लिख लेते हैं डायग्राम बनाइए और फिर लिखिए If AB greater than R1 plus R2, if AB greater than R1 plus R2 implies that if AB greater than R1 plus R2 implies that if two circles implies that two circles neither cut nor touch each other two circles neither cut nor touch each other and both are outside of each other and both are outside of each other तो डायग्राम देख करके बताया जाए कि कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी चार कॉमन टेंजेंट होंगी दो ये और दो कॉमन टेंजेंट ये ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम P देते हैं इसको Q देते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज इक्वल टू 4 इतना नोट करो डायग्राम ड्रॉ करो फिर आगे डिस्कस करते हैं तो अब जरा ध्यान से देखिए P P का अभी भी AP इज टू BP किसके बराबर होगा R1 इज टू R2 एक्सटर्नल और ये पॉइंट Q AQ अपॉन BQ ये भी R1 is to R2 लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल तो Q का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं P का भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमें A का भी पता है B का भी पता है इसकी रेडियस R1 पता है इसकी रेडियस R2 पता है इसके अलावा और जरा ध्यान से देखिए ये जो रेड टेंजेंट है अभी थोड़ी देर पहले बताया इसे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कहते हैं यहां से यहां तक की लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कहते हैं तो जो रेड कॉमन टेंजेंट है इन्हें हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहते हैं और जो ग्रीन कॉमन टेंजेंट है हम इन्हें इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कहते हैं तो नोट कर लीजिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट यहीं पर कभी कभी आपसे पूछ देता है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताइए अगर हम लोग लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो एल डायरेक्ट कहें तो किसके बराबर होगी और जरा ध्यान से देखिए एक हम निकाल के बता देते हैं ये डिस्टेंस आर टू है ये डिस्टेंस आर वन है हमें निकालना क्या है इसका नाम अगर T1 इसका नाम अगर हम T2 रख दें तो T1 T2 निकालना है T1 T2 को हमने नाम दिया है L डायरेक्ट
अच्छा ध्यान से देखिए, हम लोग को पता क्या क्या है, ये रेडियस पता है, ये ए बी पता है। तो अगर हम ए बी के, अगर हम ये टी वन टी टू के पैरेलल इस ए बी को हम शिफ्ट करें, क्योंकि ए बी हमें पता है और एल एक्सटर्नल निकालना है, ए बी को शिफ्ट करें पैरेलली और यहां तक ले आए, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, आर वन माइनस आर टू, ये डिस्टेंस कितनी है ए बी, ए बी को मान लेते हैं डी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इज इक्वल टू डी, और ये आपका 90 डिग्री है, टेंजेंट जहां पे मीट करती है वो 90, ये वाला 90 नहीं है, डायग्राम देखने से लग रहा होगा ये 90 है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, सॉरी उल्टा बोल दिए, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो एल डायरेक्ट स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, एल डायरेक्ट इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू, और ग्रीन वाले को अगर हम कहें एल ट्रांसवर्स अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू होल स्क्वायर होता है, इसी तरह से उसका भी ज्योमेट्री घर पे बनाइएगा आप देखिएगा, तो अगर दो सर्कल कट नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के आउटसाइड हैं, कब होगा, जब AB greater than R1 plus R2 है, number of common tangent 4 होंगी, एक B पे कट करेगा, एक Q पे कट करेगा, जो B पे कट कर रही है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो Q पे टच कर रही है इनडायरेक्ट या ट्रांसवर्स, डायरेक्ट की लेंथ इनडायरेक्ट की लेंथ ट्रांसवर्स की लेंथ, नोट करिए फटाफट, फिर नेक्स्ट केस पे चलें। तो ये था हमारा कंडीशन फॉर टू सर्कल्स टू नीदर कट नॉट टच इच अदर का पहला केस। अब दूसरा केस, जब दो सर्कल एक दूसरे को कट या टच नहीं करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, अगर ऐसा सर्कल्स है दो वो भी कट या टच नहीं कर रहे हैं, तो पहले आइए इसको लिख लो, बाद में डायग्राम बनाइएगा। इफ ए बी लेस देन मॉड आर वन माइनस आर टू, इफ ए बी, ए बी मीन्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, less than mod R1 minus R2 implies that two circles neither cut nor touch each other and smaller circle is strictly inside the bigger circle. Smaller circle का मतलब जिसकी radius कम है, bigger circle का मतलब जिसकी radius ज्यादा है। तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जीरो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स जीरो, कुल मिलाकर के अगर दो सर्कल ना कट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं, स्मॉलर सर्कल इनसाइड है, तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जीरो, दो सर्कल कट या टच नहीं कर रहे हैं, दोनों सर्कल आउटसाइड ऑफ इच अदर है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फोर, दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट थ्री, दो सर्कल अगर इंटरनली टच कर रहे हैं नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट वन, दो सर्कल अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट टू टू। ये सारी कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इफ टू सर्कल्स x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 intersect in two distinct points, then find all possible value of R. All possible value of R. Stop the video. पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर स्टॉप करिए और ट्राई टू सॉल्व योर ओन, टेक मैक्सिमम टू मिनट। तो क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, क्या कंडीशन होती है, AB less than R1 plus R2 greater than minus R mod R1 minus R2. तो पहले सर्कल के सेंटर को A 1 comma 3 R1 is equal to R. दूसरे सर्कल का सेंटर
कितना 4 कॉमा माइनस 1 2g और रेडियस r2 3. तो पहले हम लोग AB निकालते हैं. AB डिस्टेंस फार्मूले से 4 माइनस 1 3 9 3 प्लस 1 4 16 5. तो mod r1 minus r2 less than ab and ab less than r1 plus r2 दोनों एंड से कनेक्ट होते हैं. mod r1 mod r minus r2 3 less than 5. तो r minus 3 greater than minus 5 less than 5 तो minus 2 से 8 and ab 5 less than R1, R plus R2, R greater than 2. दोनों का intersection, तो R की value R lies between open interval 2 to 8. Open interval 2 to 8. तो next question आपके पास. Find the number of the common tangents to the circles x square plus y square minus 6x minus 14y plus 48 is equal to 0 and x square plus y square minus 6x is equal to 0. बना दीजिए फटाफट जल्दी से. Stop the video. तो आइए देखते हैं कितनी common tangent. तो position पता करनी पड़ेगी. तो center A कितना 3,7. रेडियस r1 कितनी अंडर रूट 10. सेंटर b 3,0. रेडियस अंडर रूट g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस c अंडर रूट g स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस c r1. अब हमने क्या निकाला ab डिस्टेंस फार्मूला. तो 3 माइनस 3 7. अब हमने r सबसे पहले r1 प्लस r2 क्योंकि ये भी बहुत बड़ा नंबर आ गया 7. R1 plus R2 3 plus root 10. root 10 की value 3 point something होगी. तो जो हमारा AB है वो R1 plus R2 से बड़ा है. AB is greater than R1 plus R2 implies that two circle neither cut nor touch each other and both are outside of each other, hence common tangent 4. Hence, common tangent 4. क्योंकि AB की वैल्यू 7 है और R1 plus R2 की वैल्यू 3 plus 10 है. सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन और ये प्लस 42. X square plus Y square minus 6X minus 14Y plus 42 is equal to 0 और दूसरा सर्कल वही. तो अब कितनी कॉमन टेंजेंट होगी. तो देखिए क्या परिवर्तन हुआ. केवल प्लस 42 तो केवल रेडियस बदलेगी और रेडियस अब कितनी आ जाएगी 4. ए बी पहले की 7 था क्योंकि ए और बी नहीं बदला. अब आर वन प्लस आर टू 7 हो गया. ए बी इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू और ये कंडीशन होती है फॉर टू सर्कल्स टू टच ईच अदर एक्सटर्नली. और जब एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3. नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3. तो अगर हम लोग एक और परिवर्तन करें, अगर प्लस 42 को माइनस 42 कर दे तो कितनी कॉमन टेंजेंट होगी. तो केवल ये केस और देखते हैं. वैसे केस तो बहुत कर सकते हैं. अब आपके पास रेडियस r1 कितना आ जाएगा 10. तो अब r1 minus r2 7 होगा. तो if AB is equal to mod r1 minus r2 implies that two circles touch each other internally and common tangent 1. ऐसा भी कर सकते थे कि दो कट कर रहे हैं. ऐसा भी कर सकते हैं कि ना कट कर रहे हैं ना टच कर रहे हैं. तो सारे केसेस आ सकते हैं. एक क्वेश्चन और करते हैं फिर नेक्स्ट हेडिंग पर बढ़ते हैं. क्वेश्चन ये है प्रूव दैट कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0
and x square plus y square plus 2x is equal to 0 form an equilateral triangle. Write the question and stop the video and try to solve your own. तो आइए देखते हैं, पहले सर्कल का सेंटर 3,0, रेडियस 3√g² से, दूसरे का सेंटर -1,0, रेडियस 1, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर 4 और सम ऑफ रेडियाई 4, AB is equal to R1 plus R2, hence two circles touch each other externally, number of common tangent 3. अब अगर हम डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम आपको कुछ किस तरह से दिखाई दे रहा है, ये x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका 3,0 a, ये आपका b -1,0, कॉमन टेंजेंट आपकी जो होंगी वो एक कॉमन टेंजेंट तो ये हो गई, इसकी इक्वेशन y इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ y एक्सिस, और दो कॉमन टेंजेंट आपकी ये हो गई, दो कॉमन टेंजेंट ये हो गई। अब अगर हम इनको नामकरण करें P Q R, तो हमें यह शो करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रही हैं, तो हम लोग ये एंगल 60 प्रूफ कर दें, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एंगल बराबर होता है, तो कुल मिलाकर के केवल हमको ये एंगल निकालना है, या कोई भी ये एंगल निकालना है, जितने एंगल हम लोगों ने देखे वो कोई भी एक एंगल निकाल के बता दीजिए फटाफट जल्दी से। तो हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि AP is to BP, 2 3 to 1 एक्सटर्नल है, तो x is equal to mx2 minus nx1 upon m minus n, तो -3। तो अब अगर हम लोग को एंगल निकालना है, तो हमने ये 90 डिग्री होता है, ये रेडियस 1 है, और BP डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 2 यूनिट, तो अगर हम इसको थीटा कहें तो sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, तो theta is equal to pi by 6, तो ये pi by 6, ये pi by 6, pi by 3, ये pi by 6, ये 90 degree, ये pi by 3, तो pi by 3, pi by 3, pi by 3, hence triangle is equilateral triangle, और क्या पूछ सकता था, common tangent की length पूछ सकता था, यहां से यहां तक के बीच की, ये direct common tangent है, तो खैर क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, देखिएगा। अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, चलो, तो मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस किसी पॉइंट की सर्कल से, तो लेट s इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल एंड p इज अ गिवन पॉइंट, लेट s इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल पता है तो c सेंटर पता होगा और r रेडियस पता होगा, तो c इज सेंटर, C is center, R is radius, हैं जी, radius. अब point P outside हो सकता है, point P circle पर हो सकता है, point P inside. तो minimum distance या maximum distance किसी point की, उस point को center से मिला दीजिए. तो ये जो डिस्टेंस होगी PA और ये जो डिस्टेंस होगी PB, PA डिस्टेंस कहलाएगी मिनिमम डिस्टेंस, पॉइंट P है सेंटर से मिलाने वाले मिला दो, तो ये जो PA है ये मिनिमम कहलाएगा, ये PB मिनिमम, और ये पॉइंट यहीं पर है, तो इसको अगर मिलाते हैं तो यही AB कहलाएगा और ये B, हाँ ये वाला P यहां था, तो मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस कहा उस पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए, ये प्रॉपर्टी होती है दो कर्व के बीच की, मिनिमम डिस्टेंस उसकी कॉमन नॉर्मल डायरेक्शन, तो पॉइंट पी सर्कल, पॉइंट सर्कल ये सर्कल, तो मिनिमम डिस्टेंस, और इस केस में मैक्सिमम डिस्टेंस भी कॉमन नॉर्मल यही है ये, तो यहां से आप पी ए इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस और PA निकालने की वैल्यू होगी मोड ऑफ
PC माइनस आर, और BB आपका कहलाएगा मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये मोड लगाने की जरूरत नहीं होगी, ये PC प्लस आर। PC क्या कहलाएगा? वेयर वेयर PC इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आपको ऐसे प्रॉपर्टी याद रखना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इस पे एक क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4y प्लस 30 इक्वल टू 0 व्हिच इज फार्देस्ट फ्रॉम ओरिजिन, व्हिच इज फार्देस्ट फ्रॉम ओरिजिन का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इस क्वेश्चन में अगर हम आप सर्कल ड्रॉ करें, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर C कितना है, 6.2। C 6.2, रेडियस कितनी है, अंडर रूट 10। 0.0 ओरिजिन पुट करें तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल है, कह रहा है कि इस ओरिजिन से फार्थेस्ट पॉइंट, तो फार्थेस्ट का मतलब जिसकी मैक्सिमम डिस्टेंस, तो C को मिलाने वाला लाइन, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो माना कि ए का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा है, तो फार्देस्ट, अभी हम लोग डिस्टेंस टू फार्देस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, और अगर हम ये एंगल थीटा मान लें, ये 0.0, ये 6.2, तो ओ ए, ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी प्लस आर। ओ सी कितना हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूले से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, कितना, 2√10 प्लस √10, दैट इज 3√10। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थीटा है, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप के बराबर, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज 1/3। tan थीटा अगर 1/3 है, तो sin थीटा 1/√10, cos थीटा 3/√10। ऐसा क्यों, sin थीटा cos थीटा क्यों निकाले, स्ट्रेट लाइन के लिए। तो पॉइंट ए के लिए हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म अल्फा माइनस 0 अपॉन cos थीटा, बीटा माइनस 0 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू OA, अल्फा अपॉन 3/√10, बीटा अपॉन 1/√10 इज इक्वल टू 3√10। अल्फा इज इक्वल टू 9, बीटा इज इक्वल टू 3। तो फार्देस्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट 9.3। तो यहां पे आपसे केवल डिस्टेंस नहीं पूछा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अब शॉर्टेस्ट पूछता, तो शॉर्टेस्ट का फिर ये डिस्टेंस इस पॉइंट को OB कर देते, या ये पता है ये सेंटर है, तो मिड पॉइंट फार्मूले से इसको निकाल लेते। तो अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल हूज इक्वेशन ऑफ साइड्स आर गिवन। तो सर्कम सर्कल किसे कहते हैं, हम लोग को मालूम है, जो सर्कल ट्रायंगल की वर्टिसेस से पास करता है उसे सर्कम सर्कल कहते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी गिवन है, लेट सपोज इस साइड की इक्वेशन L1 इज इक्वल टू 0, इस साइड की इक्वेशन L2 इज इक्वल टू 0, इस साइड की इक्वेशन L3 इज इक्वल टू 0। एक मेथड हमारे पास ऑलरेडी है, पहले उसको देख लेते हैं फिर हम लोग बात करते हैं। पहले क्या है,
इसको इसको सॉल्व करेंगे तो a का क्वाड्रेंट निकल जाएगा, इसको इसको सॉल्व करेंगे b का, इसको इसको सॉल्व करेंगे c का। अब ट्रायंगल abc के वर्टेक्स पता है तो हम सर्कम सेंटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्कम सेंटर निकालना हम लोगों ने सीखा था। और फिर सर्कम सेंटर अगर माना कि सर्कम सेंटर निकल के p आया तो p से किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस रेडियस, तो सेंटर पता रेडियस का। लेकिन ये लंबा मेथड हो जाएगा तो बिना वर्टेक्स निकालने भी हम कर सकते हैं। तो एग्जाम में कौन सा मेथड करेंगे जिसमें हमें कैलकुलेशन कम लगेगी, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा। हमारे पास पुराना मेथड, नया मेथड क्या लिखते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हम लोग को सर्कल की इक्वेशन चाहिए, सर्कल की इक्वेशन सेकेंड डिग्री की होती है, तो अपन लिखेंगे सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। क्या कहने जा रहे हैं? सेकेंड डिग्री इक्वेशन पासिंग थ्रू ए बी एंड सी। अब सेकेंड डिग्री इक्वेशन कैसे आएगी? तो ये L1 कितने डिग्री इक्वेशन है? 8 डिग्री की। L2 भी कितने डिग्री इक्वेशन है? 8 डिग्री की। L3 भी इन्हीं दो को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब केवल अगर L1 L2 को मल्टीप्लाई किए तो L1 के सारे पॉइंट, L2 के सारे पॉइंट, मतलब पॉइंट C सेटिस्फाई करेगा। हमको ये पॉइंट नहीं चाहिए, हमको C चाहिए। तो L1 L2 का मतलब C सेटिस्फाई कर गया, लेकिन ए सेटिस्फाई नहीं किया। तो ए के लिए L2 L3 का पेयर लेना पड़ेगा और बी के लिए L1 L3 का। तो हम लोग बोलेंगे सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पासिंग थ्रू ए बी सी विल बी L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1। लेकिन L1 L2 L3 तो नोन है, लैम्डा और म्यू नोन है, और अभी हमने केवल यहां पर यह कॉन्सेप्ट लगाया है कि ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन है कितनी और कहां से पास कर रही, एबीसी से। ये केवल हमको ये बता रहा है कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन है और पॉइंट एबीसी से पास कर रहा है, ठीक। लेकिन अब ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकती है, पैराबोला भी हो सकती है, इलिप्स भी हो सकती है, हाइपरबोला। लेकिन हमको क्या चाहिए? हाँ, but it should be a circle। तो circle की condition क्या होती है? Coefficient of x square is equal to coefficient of y square, x शब्द ये लगाएंगे और coefficient of x square। तो अब ये method हम use करेंगे या पुराना method, ये डिसाइड करेगा क्वेश्चन किस फॉर्मेट में गिवन है और किस मेथड से लेंथ कम होगी। तो ये हमने देखा इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल हूज इक्वेशन ऑफ साइड्स आर इक्वल। नोट करिए फटाफट जल्दी से। तो इस हेडिंग में क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू फोर पॉइंट्स, फोर पॉइंट से पास करेगा एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ फोर लाइंस, मतलब चार लाइन गिवन है। अब चार लाइन आपको गिवन है, ऐसा भी हो सकता है एक ये गिवन है और आपका ये सर्कल बन रहा है। डायग्राम आपको सही बनाइएगा। और ये क्वाड्रिलेटरल का सर्कम सर्कल कहलाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चार लाइन आपको ऐसी दी हो, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और चारों पॉइंट से सर्कम सर्कल नहीं बन रहा है, चारों लाइन से सर्कम सर्कल नहीं बन रहा है, इसलिए जान करके सर्कम सर्कल नहीं कहा गया। अब इसमें आपको दिया है इक्वेशन L1 is equal to 0, L2 is equal to 0, L3 is equal to 0, L4 is equal to 0। माना कि ये वर्टेक्स A, ये वर्टेक्स B, ये वर्टेक्स C, वर्टेक्स D। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट, सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पासिंग टू ए बी सी एंड डी। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा,
चार लाइन में दो ही पेयर से काम बन जाता है, एल वन एल थ्री प्लस लैम्डा एल टू एल फोर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखिए, पॉइंट ए का मतलब कौन कौन जीरो, एल वन एल फोर जीरो। हमने क्या किया, एक पेयर में एल वन को ले लिया और एक पेयर में एल फोर दे दिया। पॉइंट बी, पॉइंट बी एल वन जीरो एल टू जीरो, इस पेयर में एल वन इस पेयर में एल टू। पॉइंट सी एल टू एल थ्री, इस पेयर में एल टू इस पेयर में एल थ्री, एल थ्री एल फोर इस पेयर में एल थ्री। तो अगर चार लाइन में हमारे पास केवल दो ही बनता है, लेकिन इसे क्या रिप्रेजेंट करना है, सर्कल। इसलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो लगभग सर्कल की थ्योरी हम लोग की खत्म हो गई। इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अगली क्लिप में और डाउट करेंगे। तो पैकेज के 15 क्वेश्चन बना करके आना है जेईई में। तो इस क्लिप में इतना ही, एंजॉय करिए लेकिन पढ़ते रहिए। ओके, बाय।